सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टेनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड को लेकर। हाल ही में कंपनी का आईपीओ आते हुए नजर आया था, फ्राइडे के दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी और उस दिन आप लोग एक अच्छे खासे प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, 34-35% के प्रीमियम पर। और वहाँ पर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और आपको क्लियर बोला था कि ये टाइम स्टॉक को होल्ड करने का है, नहीं कि यहाँ पर जो ना भी इतने लिस्टिंग गेन लेने का, क्योंकि स्टॉक में रैली बनेगी आने वाले टाइम में। तो आप लोग देखो अभी कितने लोगों ने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए जो है अप्लाई किया, ठीक है, आईपीओ के अंदर अप्लाई किया, अभी उनको मिले, लेकिन बहुत से भाई को नहीं मिला अभी, क्योंकि लगभग आप लोग देखोगे जो आईपीओ आया था उसके बाद जो शेयर है वो कितना ज़्यादा उछल चुका है। आज भी आप लोग 7.5% की रैली है स्टॉक में और इस रैली के पीछे एक बहुत बड़ी खबर आई है सामने, उस खबर के बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली बनी है और आने वाले टाइम में स्टॉक में लॉन्ग टर्म में कम से कम 1-2 साल में ये स्टॉक हमें डबल होते हुए नज़र आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग इंक्रीज होते हुए नज़र आई है और ये उन्होंने पता है कब खरीदे, ये ओपन होने के बाद यानी लिस्ट होने के बाद उनकी खरीदारी हुई है। ये तो ये छोटी मोटी खरीदारी नहीं है, ये एक एक दो दो शेयर है, 2,000, 5,000, 10,000 इतने शेयर नहीं, ये लाखों में क्वान्टिटी खरीदी गई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई आखिरकार कौन सा म्यूचुअल फंड है, आखिरकार कौन जो फॉरेन इन्वेस्टर है जिन्होंने यहाँ पर जमकर खरीदारी की है इसके लिस्ट होने के बाद, ठीक, और वो भी हाई प्राइस में। आज आप लोग देखो जिसकी वजह से स्टॉक 7.5% भागा है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टेनली लाइफस्टाइल में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और इसकी जो योजनाओं ने सुपर प्रीमियम और लग्जरी फर्नीचर निर्माण कंपनी में अतिरिक्त 6.53% जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है, ठीक है, अतिरिक्त खरीदी, यानी कि ये लिस्ट होने के बाद इतनी खरीदारी इन्होंने इंक्रीज अपना जो होल्डिंग वो स्टेक खरीदा, इतना कितना 6.53% स्टेक, थोड़ा नहीं होता भाई। इसके अलावा आप लोग फ्रैंकलिन टेम्पलन जो टेम्पलटन म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 475 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लगभग 1.9% हिस्सेदारी खरीदी। मॉर्गन स्टेनली जो एशिया सिंगापुर से है, आप लोग देखो पीटीआई ने लगभग 478 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लगभग 0.6% हिस्सेदारी खरीदी है, ये अतिरिक्त खरीदी भाई। इनको वहाँ पर जो भी अप्लाई किया है या फिर इनको जो भी पहले इन्होंने ले रखे हैं शेयरों में ऑलरेडी इसमें खरीदारी की हुई है, तो उसके अलावा आप लोग देखोगे लिस्टिंग होने के बाद इनकी ओपन मार्केट में खरीदारी हुई है। हालांकि जो OIJIF MC द्वारा प्रति जो प्रबंधित ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड सेकंड ने लगभग 401 करोड़ 63 लाख रुपए की कीमत पर अपनी 14.59% की जो पूरी हिस्से जो शेयरधारिता है बेचकर स्टेनली लाइफस्टाइल से बाहर निकल गया है। तो उन्होंने तो यहाँ पर अपना स्टेक बेचा है और ये खरीदारी होते हुए नज़र आई है भाई। तो ये एक बड़ी अपडेट आई है, इस बड़ी अपडेट के कारण स्टॉक में एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। चलिए मैं आपको वो डील्स और दिखा देता हूँ जो होते हुए नज़र आई थी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वो बल्क डील ब्लॉक डील्स होते हुए नजर आई हैं अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान फ्राइडे के दिन, जिस दिन ये ओपन हुआ था। तो यहाँ पर देख निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स ने कितने बार यहाँ पर खरीदारी की और कितने क्वांटिटी 478.71 रुपये के भाव में इन्होंने 2,50,000 क्वांटिटी खरीदी है। वहीं आप लोग GRT स्ट्रेटेजिक वेंचर्स LLP ने लगभग 8,22,323 क्वांटिटी खरीदी 494 के भाव में। फ्रैंकलिन ने यहाँ पर आप लोग देखोगे 475 रुपये के भाव में लगभग 11 लाख क्वांटिटी खरीदी है। वहीं आप लोग देखोगे भी जो ये ब्लॉक कमर्शियल्स है इन्होंने लगभग वोगी कमर्शियल है इन्होंने लगभग 495 के भाव में 5 लाख शेयर खरीदे हैं, 5,04,540। वहीं आप लोग निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने फिर से एक बार 50 जो है लगभग 5 लाख शेयर 499 के भाव में खरीदे हैं। मारवाड़ी आप लोग देखो इन्होंने जो खरीदारी की है 486 रुपये के भाव में 3,35,000 क्वांटिटी। एरियस ब्रोकरिंग की तरफ से आप लोग देखोगे 1 लाख शेयर खरीदे गए 497 के भाव। मॉर्गन स्टेनली एशिया सिंगापुर ने 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं अभी 478 रुपये के भाव में, ठीक है। एरियस ब्रोकरिंग इन्होंने फिर से एक बार खरीदारी की है 3 लाख
22,000 क्वांटिटी। निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड्स ने एक बार फिर खरीदारी की है लगभग 12,56,000 क्वांटिटी लगभग 478 रुपये के भाव में। निपोन इंडिया ने एक बार फिर खरीदारी की है लगभग 17,18,250 क्वांटिटी, यानी इन्होंने टोटल 6.5% के करीब स्टेक जो अभी खरीदारी में यहाँ पर पैसा लगाया है और बेचा जिन्होंने वो वाओ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट है इन्होंने यहाँ पर बेचा है। तो ये टोटल अपडेट है भाई। इस अपडेट के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त जो एक्शन है वो हमें देखने को मिल सकता है। कईयों ने तो कल ही के दिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में खरीदा और उसी टाइम बेच दिया, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर होल्ड किया है वो मैंने आपको बता दिया, ओमान सॉरी निपोन फ्रैंकलिन और जो ये क्या बोलते हैं भाई मॉर्गन स्टेनली, इनकी होल्डिंग यहाँ पर है और ये जो ना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म कम से कम एक साल के लिए यहाँ पर जरूर होल्ड होना चाहिए अगर आपने आईपीओ के अंदर आपको मिला या फिर आईपीओ के बाद ओपन होने के बाद आपने खरीदारी की है। आने वाले टाइम में स्टॉक डबल हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।